नमस्कार और आप देख रहे हैं पलटन। परिवहन मंत्री ने किया ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का शुभारंभ। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध वाहनों के प्रति एक बार फिर से कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि सवारियां ढोने में लगे ऐसे वाहन जिनके पास न तो परमिट है और न ही इंश्योरेंस है और न ही फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट है, ऐसे लोग जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रदेश में इस तरह के वाहनों को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे अवैध वाहनों की चेकिंग के लिए संबंधित डिपो महाप्रबंधक और डीटीओ द्वारा संयुक्त टीमें बनाकर के टोल प्लाजा पर नाके पर लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने यह बात आज यहां पर परिवहन विभाग में ऑनलाइन ड्राइव ट्रांसफर ड्राइव के शुभारंभ के मौके पर कही। इस तबाल अभियान के तहत 53 इंस्पेक्टर और 89 क्लर्कों को मिलाकर के कुल 144 कर्मचारियों ने डिपो या लोकेशन के लिए अपना विकल्प भरा था। इनमें से कर्मचारियों को प्रथम विकल्प जबकि 32 को दूसरा विकल्प मिला है। इनमें से 8 इंस्पेक्टर और 26 क्लर्कों का तबादला किया गया है और उन्होंने बताया कि राज्य परिवहन निदेशालय में स्वैच्छिक भागीदारी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर के अनुसार क्लर्कों और इंस्पेक्टरों का कार्डर में 15 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन तबादले शुरू होने से न केवल विभाग की तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि इससे कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे। पहले जहां कर्मचारियों को तबादले के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब इस प्रक्रिया से कर्मचारी घर बैठे तबादले के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि 500 कर्मचारियों से अधिक की संख्या वाले कार्डर में ये सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, इसलिए जल्द ही किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के साथ साथ लंबे रूट की सभी बसें चलाई जाएंगी ताकि आम जन को आने जाने के लिए रास्ता और भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि डिपो महाप्रबंधक या ट्रैफिक मैनेजर द्वारा स्थानीय स्तर पर 4 से 5 कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी और जमीनी स्तर पर बसों की जरूरत का पता लगाया जाएगा। इस संबंध में साप्ताहिक या महीने के हिसाब से योजना बनाई जाएगी। आप देख रहे हैं पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मचारी के प्रति जो विश्वास जो भरोसा दिया है कि ऑनलाइन के ट्रांसफर होंगे, उसी प्रक्रिया की सेकेंड कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है। आज हमने जो इंस्पेक्टर्स हैं 53 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर करे हैं और 53 पे जो 45 आदमियों को अपनी चॉइस का फर्स्ट मिला है और बाकियों को सेकंड जो उनकी ऑप्शन है वो मिली है। क्लर्क हैं 89 60% उनको अपना जो फर्स्ट चॉइस मिली है और 3200 को सेकंड चॉइस मिली है। इसकी शुरुआत हमने दूसरी है जिसकी शुरुआत आज हमने करी है। इस सब की शुरुआत में कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट को शुद्धिकरण करना है और भरोसे विश्वास के साथ कर्मचारी को जताना है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। जहां आप चाहते हैं, जहां आपको स्टेशन चाहिए वो स्टेशन मिलेगा और इधर उधर कर्मचारी नहीं भागेगा। ये शुरुआत मुख्यमंत्री जी।